लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए बुधवार को नर्मदापुरम नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के दौरे पर सिवनी मालवा पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोला। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस अब बची कहां है, इस बार तो कांग्रेस का विसर्जन तय है। नर्मदापुरम नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के सिवनी मालवा में सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने चिर परिचित अंदाज में जनता का अभिवादन करते हुए कहा कि जब तक मैं सिवनी मालवा नहीं आता हूं, मेरा चुनाव प्रचार पूरा ही नहीं होता है, इसलिए मैं आपके दर्शन करने और दर्शन के लिए वोट मांगने आया हूं। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उल्टे सीधे फैसलों के कारण कांग्रेस खत्म हो गई। अयोध्या में मंदिर बना तो पूरे देश ने खुशी मनाई, आनंद में देश डूबा था, लेकिन कांग्रेस रो रही थी, कांग्रेस ही दुख मना रहे थे। उन्हें निमंत्रण मिला लेकिन उनकी बुद्धि खराब हो गई, उस पर मंत्रा भिड़ गई, लिखकर कह दिया कि हम नहीं आएंगे। भाजपा का विरोध करते करते राम का विरोध कर दिया। जब तक सूरज चांद रहेगा जनता माफ नहीं करेगी। अब तो कांग्रेस का विसर्जन तय है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं है। राहुल गांधी को ना हिंदी की समझ है और ना अंग्रेजी की। संकल्प पत्र में संकोच साफ लिखा गया है, लेकिन राहुल गांधी को समझ नहीं आया। हम इटली की भाषा में लिखकर अब राहुल गांधी को नहीं समझा सकते हैं। सोनिया गांधी ने रायबरेली और राहुल गांधी ने अमेठी सीट छोड़कर वायनाड को चुना। कांग्रेस ने कभी भी देश के लिए कुछ नहीं किया है। हम प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प पत्र में दिए गए वचनों की गारंटी को पूरा करेंगे। जीवन में किसानों की बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और इतनी लड़ाइयां लड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने यहाँ पर प्रत्याशी बनाया। हम सारे किसान भाइयों को, गरीब मजदूरों को और खेती मजदूरों को, सब लोगों को मिलकर के नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करना है और भाई दर्शन चौधरी जी को विजय बनाना है। आज इस देश में मोदी जी ने कहा है कि 400 पार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे साथी लोग, कार्यकर्ता लोग मिलकर के शक्ति केंद्र के प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, संगठक, प्रचारक, संयोजक, प्रभारी सब मिलकर के एक ही कार्य में लगे हैं कि मोदी जी के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए और हिंदुस्तान में 400 पार सीटें कैसे हमारी विजय हो। इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों से यह निवेदन करूंगा कि अभी हमारे बीच में इस प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान आने वाले हैं और वो अपनी सभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने अपने जीवन में मध्य प्रदेश में सबसे लंबा मुख्यमंत्री का कार्यकाल बनाया और उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं इस प्रदेश के लोगों के लिए चलाई है। उन योजनाओं के बारे में गांव के हर व्यक्ति उनका नाम लेता है। आज जिस तरह से ब्रांड बॉन्डिंग होती है, टाटा का नाम, रिलायंस का नाम, ऐसा ही मामा का नाम पूरे देश में, अगर मामा की बात की जाए तो मामा शिवराज सिंह चौहान कहलाए जाते हैं। आगे करोड़पति में भी एक सवाल पूछा गया था तो उसमें भी कहा था कि हिंदुस्तान में मामा के नाम से कौन मुख्यमंत्री विख्यात है, उसमें भी शिवराज सिंह की चौहान का नाम आया था। बहुत कर्मठ नेतृत्व के धनी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्होंने इस विधानसभा चुनाव के पहले हर विधानसभा प्रत्याशी की लाडली बहना की 50,000 वोटें दी है। उन्होंने योजना लागू की थी लाडली बहना योजना, इस प्रदेश की लगभग 1 करोड़ जितनी बहनों को मिल गई, 6 करोड़ जितको हमारे प्रदेश में लगभग 2 करोड़ बहनों को लाडली लक्ष्मी योजना का राशि प्राप्त हो रही है और उन लाडली लक्ष्मी बहना योजना बहनों ने भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे प्रत्याशियों को वोट दिया और उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विधानसभा में भारी बहुमत से जीते और उन प्रत्याशियों ने और हमारे देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने अपना इस प्रदेश के नेतृत्व के लिए माननीय श्री मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया। आज हमारे भी शिवराज जी आ रहे हैं या खुद भी विदिशा लोकसभा से अपना चुनाव लड़ रहे हैं।
और उस चुनाव मैया की भीलर देव बाबा की भगवान बलराम की आज सिमनी मालवा की इस पावन भूमि पर हमारे प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री और लगातार जिन्होंने गांव गरीब किसान और प्रदेश के विकास और एक प्रदेश की अलग पहचान बनाने का काम और जिन्होंने पूरे देश के अंदर यदि किसानों का गरीबों का माताओं बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम किसी ने किया था तो हमारे प्रदेश में आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जो हमारी शान है आपका अभिनंदन करते हुए हमारे लाडले विधायक आदरणीय प्रेम शंकर जी वर्मा हमारी राज्यसभा की सांसद बहन माया दीदी हमारा मंच चूंकि समय की गरिमा एक बार जोरदार तालियों से संपूर्ण मंच का स्वागत करें और मैं तो इसी आशा के साथ माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जो हम सबके गौरव हैं एक बात के साथ ईमानदारी से याद दिलाते हुए कह रहा हूं और उनको यह आमंत्रित कर रहा हूं ये किसानों का क्षेत्र भैया अब कितनी फसल पैदा कर रहे हो आप जोर से बोलो। उसके पहले जब भाई साहब मुख्यमंत्री नहीं थे एक फसल पैदा यह क्षेत्र नहीं कर पाता था, बिजली की हाहाकार थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय शिवराज सिंह जी माननीय मोदी जी का नेतृत्व है जिसके कारण बिजली पर्याप्त मिली और अब मूंग सहित तीन तीन फसल पैदा हो रही है तो हमारे जिले और प्रदेश में पैदा हो रही है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें और इसलिए भी स्वागत करें भैया कि पूरे देश में मूंग की कहीं पर खरीदी हो रही है तो आपको पता है कहां पर हो रही, कहां पर हो रही, मध्य प्रदेश में और किसके कारण हो रही है। सिमनी मालवा के मेरा चुनाव पूरा नहीं, पिछली बार भी कहा था मैंने बताया ना, इस बार लग रहा था शायद चूक जाएगा लेकिन कल वर्मा जी से बात हुई तो वर्मा जी का कैसे भी आ जाओ एक बार तो आ जाओ तो मैंने उधर उधर के कार्यक्रम कैंसिल करके आज आपके दर्शन करने आया और दर्शन के लिए आया। चुनाव तो एक बहाना था, मुझे तो आपके दर्शन पाने आना था। अब चुनाव में मुद्दा साफ है, आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ कांग्रेस कोई भला कर सकती है क्या हमारा, जोर से बोलो कर सकती है क्या, कांग्रेस भला नहीं कर सकती। कांग्रेस ना ढोल में बची ना मदरिया में बची, दिल्ली में भी नहीं भोपाल में भी नहीं, और उल्टे सीधे फैसलों के कारण कांग्रेस के ओम रघुवंशी जी जैसे कांग्रेस के जन्मजात कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सैम पित्रोदा कांग्रेस के नेता वो कह रहे हैं कि अमेरिका में जब कोई मरता है तो उसकी संपत्ति का एक हिस्सा परिवार को जाता बाकी सरकारी घर लेती है। कांग्रेस के इरादे क्या है, ये आ गए तो तुम्हारे खेत दुकान मकान भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, ये मान लेना ये खतरनाक सोच है। राहुल गांधी ये भारत है भारत, ये अमेरिका जो नहीं है, भारत चलेगा तो भारत की सनातन परंपरा से चलेगा, आपकी संस्कृति से चलेगा। और हमारी परंपरा बाप मरता है तो बेटा बेटी के नाम संपत्ति आती है। अब ये घोषणा पत्र कैसा है तुम्हारा, क्या करने वाले हो, क्या हिंदुस्तान को अमेरिका बनाने वाले हो, कितने उल्टे सीधे फैसले। आप बताओ अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य मंदिर बना और राम लला जब राज हुए तो सबको खुशी हुई कि नहीं हुई, जोर से बोलो ना, सबको खुशी हुई। अंसारी परिवार अयोध्या का जिन्होंने बाबरी मस्जिद का केस लड़ा था, जीवन भर बाबरी मस्जिद के केस को जिनने लड़ा, जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का तो उन्हें माना और उनने
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया और लिखा सारे झगड़े खत्म, हम भी राम भगवान के प्राण की प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाएंगे। अखबारों में आपने पढ़ा होगा। अंसारी परिवार गया, निमंत्रण कांग्रेस को भी पहुंचा, आप भी पधारिए, मैडम सोनिया गांधी जी आप आइए, राहुल जी आइए, खड़गे साहब आइए, पूरा देश खुश था, पूरा देश सब खुश थे कि नहीं। रंगोलियां बनाई, दीप जलाए, आरती उतारी, भजन हुए, आनंद उत्सव मना, लेकिन एक पार्टी रो रही थी। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? अकेली कांग्रेस रो रही थी। स्यापा ने मिले निमंत्रण को, अस्वीकार किया, कहा हम नहीं आएंगे, मुहूर्त नहीं है, मुहूर्त खराब है, मुहूर्त तो और कुंडली तो कांग्रेस की खराब हो गई, राहुल केतु दो ही बैठ गए उसमें, लगता है खोपड़ी में मंथरा बैठ गई, सही फैसले नहीं लिया। जाको प्रभु दारुण रुख दे ही, बाकी मती पहले हर में तो उल्टे सीधे फैसले। अरे सोनिया गांधी जाती, खड़गे जी जाते, तो अगर मीडिया के मित्र 100 बार मोदी जी को दिखाते तो 5-10 बार तो मैं भी दिखाता, नहीं नहीं जाएंगे। लिख के मना किया, लिख के इनका जब तक ये धरती और आसमान रहेगा तब तक ये बात लिखी रहेगी कि कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भाग नहीं दिया, लिया विरोध किया, हमेशा के लिए कांग्रेस कलंकित कर दिया। ये कांग्रेस में कौन रहेगा मुझे बताओ, ऐसे फैसले क्या करें? धारा 370 हटाने का तुम विरोध करो, मेरे पास विस्तार से समय नहीं है आज, और ऐसे गलत फैसलों के कारण ही ओम रघुवंशी जी जैसे साथी कांग्रेस छोड़ छोड़ के बाहर आ रहे हैं भाजपा ज्वाइन कर। क्यों आ रहे? क्या कोई लोभ लालच? लेकिन ऐसी कांग्रेस में कौन रहेगा आप बताओ? मैं तो बाकी भी कांग्रेसियों से कह रहा हूं, आज 24 तारीख है, 26 को वोट है, अभी ओम जी के साथ बहुत से लोग आने वाले हैं, लेकिन टाइम नहीं है तो बाद में आएंगे। हाँ मैं भी बाद में आऊंगा, अभी बहुत से लोग आपके साथ आ रहे हैं, बड़ी देर करी नंदलाला, असली काम तो यही है भारतीय जनता पार्टी वादा था क्या है? देखो हम क्यों भाजपा का काम करते, देश की सेवा करनी इसलिए, और जनता की सेवा करनी इसलिए, सेवा के लिए राजनीति, मेरे लिए तो जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। अपने देश के लिए मोदी जी के नेतृत्व एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। बताओ देश की इज्जत बढ़ी है कि नहीं? जोर से बोलो बढ़िए कि नहीं? और देश की इज्जत बढ़ती तो आपको खुशी होती है कि नहीं? आपका सीना गर्व से फूलता है कि नहीं? और आज सिडनी मालवा वालों नोट कर लेना, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब विश्व गुरु बनेगा, दुनिया को दिशा दिखाने का काम करेगा। अब कांग्रेस को तो पल्ले पड़ता नहीं है कुछ। राहुल बाबा कहते हैं गरीबों के लिए कुछ नहीं लिखा, अरे हमारा संकल्प पत्र पढ़ लो, हिंदी में लिखा है आपने, हिंदी नहीं आती तो अंग्रेजी वाला पढ़ लो, अब हिंदी भी नहीं आए, अंग्रेजी भी नहीं आए तो इटालियन में तो हम लिखेंगे। गरीब को निःशुल्क अनाज, अगर गिनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे, समय नहीं है। और बहनों अभी तो लाडली बहना हो, अब लखपति बहना बनाएंगे, लखपति बहना, लखपति जनता की जिंदगी बदलने के लिए हम राजनीति, किसानों के लिए जो काम हुआ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस को कुछ पल्ले नहीं पड़ता, और कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है तो उनके बड़े बड़े नेता ही मैदान छोड़ रहे हैं। बताओ श्रीमती सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही है क्या? रायबरेली जहां से इंदिरा जी लड़ती थी, कांग्रेस की जहां सबसे ज्यादा गहरी जड़ें थी, भाभी कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। मैडम ने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगी। क्यों नहीं लड़ोगी? क्यों नहीं लड़ रहे? अरे क्यों नहीं लड़ रहे? हार जाएंगे इसलिए नहीं लड़ रहे।
अब यहाँ बेचारे को फंसा दिया, जो विधानसभा में हारा था उसी को उठा के फिर जाए फिर राहुल बाबा नहीं लड़ रहे अमेठी, अमेठी छोड़ के वायनाड चले। अरे हम भी गांव के रहने वाले जैत के जहां अपना नरा गड़ा अभी भी सब भी लड़ रहे हैं। हम तो लगातार विधानसभा के जीत के पांच लोकसभा के और छठवा भी धूमधाम से जीतने वाला हमारा पहला कोई बात लड़ रहा तुम क्षेत्र का कुछ छोड़ रहे। ये कांग्रेस अब किसी काम की नहीं बची। मैं आप सबसे ये निवेदन करके आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है दर्शन, इनका अपना कुछ नहीं है, मूड का स्वाद भी वैसे ही बांधी है। पहले किसानों के लिए लड़ते थे, अब किसानों की सेवा करने का सौभाग्य मोदी जी के नेतृत्व में मिलेगा। ये दिन और रात वर्मा जी के साथ मिलते माया दीदी भी अब कैसी पार्टी है। अब माया दीदी सोचती नहीं थी कि राज्यसभा में जाएंगे, फोन करके बुलाया दीदी भारत भर को। ये भारतीय जनता पार्टी जो सच्चे कार्यकर्ता का सम्मान करने की कोशिश करती है। पारित जी जैसे कई सच्चे कार्यकर्ता भी हमारे पास है जिनको झाल जुटा दो हुई जुटे रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और इसीलिए दर्शन को फक्कड़ आदमी आप ही परिवार ज्यादा को यही नहीं कर रहे। जो कुछ है आपके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि दिन और रात आपकी सेवा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इनके घर तो कभी भी दिन में जाओ चाहे रात में जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, दरवाजे हमेशा ही खुले रहेंगे। और इसलिए ऐसे प्यारे साथी को जिसका जीवन आपके लिए, जिसने जब से होश संभाला है, किसान संघ, किसान मोर्चा, किसानों के काम में तो लगा है, किसानों की भी करेंगे, गरीबों की भी सेवा करेंगे, और इनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। ये तो करेंगे, पड़ोस में मैं भी हो तो मैं भी पड़ोसी धर्म निभाऊंगा, मामा भी तो दिल्ली जा रहा है, पर हम दुबले पतले भले हो लेकिन काम धाम तो करवाई लेंगे, कुछ ना कुछ तो ले जाएंगे। सभी वालों पहले भी दिया, आप भी मिलेगा वर्मा जी, बढ़ते चलो। आप सबसे मेरा निवेदन है कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी जिताएं, दर्शन जी को अपना सांसद बनाएं और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबसे सुंदर कमल के फूल की माला शिवनी मालवा से उनके गले बैठ करें। यही निवेदन करने आया हूं, इससे ज्यादा समय नहीं है। आप सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? खड़े होकर संकल्प लेंगे दर्शन को जिताने का, भाजपा को जिताने का, नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाने का। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ भारत माता की जय बोल के दर्शन को जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया।